हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकिंग टेस्टी फूड। आपके साथ मैं हूँ रश्मि गुप्ता। आज हम बनाएंगे चॉकलेट केक, क्योंकि आज मदर्स डे है तो मम्मा को गिफ्ट करनी है और लॉकडाउन चल रहा है तो हम घर से बाहर भी नहीं जा सकते हैं, तो आज हम होममेड केक मम्मा को गिफ्ट करेंगे। तो चलिए मम्मा के लिए आज हम होममेड केक बनाना स्टार्ट करते हैं। केक तो यहाँ पर मैंने 10 रुपये वाले 4 बिस्किट के पैकेट लिए हैं जो चॉकलेट वाले हैं, और एक इनो का पाउच लिया है और 250 ml दूध लिया है। तो इन बिस्कुटों को हम खोल के, मैंने यहाँ मिक्सी का जार लिया है, इसमें हम सभी चारों पैकेट बिस्किट के खोल के और इसको क्रश करके इसमें डाल लेंगे। यहाँ पर मैंने सारी बिस्कुट तोड़ के मिक्सी में भर ली है। यहाँ पर मैंने 4 टीस्पून चीनी ली है, ये करीब 20 से 30 ग्राम चीनी है, तो इसमें हम इसको डालेंगे। इसके साथ ही हम इसको पीस लेंगे जिससे हमारी चीनी अच्छे से पिस भी जाएगी और इसमें मिक्स भी हो जाएगी। तो चलिए अब हम इसको पीस लेते हैं। हमारा मिश्रण पिसकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा पिस गया है, बिल्कुल चीनी भी इसमें अच्छे से मिक्स हो गई है। तो चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसी मिश्रण से थोड़ा सा मिश्रण हम निकाल लेंगे, इसी से हम थोड़ा सा निकाल लेंगे जो हमारी केक के डेकोरेशन के काम आएगा। तो यहाँ मैंने 4 टीस्पून इसे निकाल के अलग रख लिया है। चलिए तो अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें हम दूध ऐड करेंगे, दूध थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे। दूध को हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे जिससे हमारे इसमें गिल्टी नहीं पड़े। आप से देख सकते हैं इसको अभी थोड़ा सा ही टाइट है, अभी हम इसमें और दूध मिक्स करेंगे। हमारा मिश्रण बनकर तैयार हो गया है। जब इनो तब डालेंगे तब हम इसको माइक्रोवेव में रखने लगेंगे। डिब्बे में मैंने पहले से घी लगा के रखा है तो हम बेटर को डिब्बे में डालेंगे। तो चलिए अब हम इसमें इनो मिलाते हैं। यहाँ पर मैंने एक पुड़िया इनो डाली है, उसके ऊपर थोड़ा सा 1 टीस्पून दूध डालूंगी जिससे इनो को एक्टिवेट हो जाए। तो देखिए हमारा इनो कैसे बबल छोड़ रहा है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमको इनो मिलाने के बाद ज़्यादा नहीं चलाना है, सिर्फ इसको अच्छे से मिक्स करना है जिससे हमारा इनो पूरे मिश्रण में मिक्स हो जाए। देखिए हमारा इनो मिक्स हो चुका है। अब हम इसको इस डिब्बे में डाल देंगे। इसमें भर दिया है, इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर देंगे, इसको थोड़ा सा दबा देंगे जिससे इसमें बने हुए बबल्स अच्छे से सेट हो जाए, जिसमें इसमें जो बबल्स बने हैं वो दब जाएं और ये अच्छे से सेट हो जाए। तो चलिए अब हम इसको माइक्रोवेव में रखते हैं। तो यहाँ मैंने माइक्रोवेव में इसको रख दिया है। इसको हम हाई में चलाएंगे और यहाँ मैंने 15 मिनट के लिए इसको चलाया हुआ है,
तो हमारा 15 मिनट बाद देखते हैं कैसा केक बनता है। चलिए जब तक इसके लिए हम डेकोरेटर के लिए जब तक केक के डेकोरेशन के लिए यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है और जो मेरा दूध बचा हुआ था उस दूध को लिया है और यहाँ जो मैंने ये बिस्कुट का पाउडर निकाला हुआ था उसको इससे हम केक का डेकोरेशन के लिए बनाएंगे। इससे हम केक के डेकोरेशन के लिए बनाएंगे। यहाँ मैंने 3 टीस्पून पाउडर लिया है बिस्कुट का पाउडर और इसको हम इसमें हम ज़्यादा दूध मिक्स नहीं करेंगे, इसको आटा की तरह गूंथना है। खुद का तैयार हो गया है। ये बिस्किट का ही पाउडर था जिसको मैंने थोड़ा सा दूध मिक्स करके इसको आटा की तरह गूंथ लिया है। यहाँ पर मैं इसकी छोटी छोटी लोई लूंगी, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको सभी को काट लूंगी और इसको ऐसे करके गोल गोल करके देखिए इसको एक बेलन की सहायता से आप चाहे तो इसको हैंड से भी ये सब बनकर हमारी तैयार हो गई है। तो अब हम उनका फूल बनाने स्टार्ट करते हैं। ऐसे रखेंगे एक को, इसके ऊपर फिर दूसरा रखेंगे इस तरह, फिर तीसरा रखेंगे और एक चौथा रखेंगे। तो इसको 4 रखेंगे और इनको ऐसे पलट देंगे, ऐसे ऐसे करके इसको धीरे से राउंड कर देंगे और इसको ऐसे ऐसे 2-3 बार राउंड कर देंगे। देखिए मैंने इसको राउंड किया हुआ है, इसको अब बीच से काट देंगे इस तरह। तो चलिए इसी तरह हम सभी फूल तैयार कर लेते हैं। हमारे बनकर फूल तैयार है क्योंकि इस लॉकडाउन में क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है और मदर्स डे है तो लॉकडाउन में क्रीम तो बाहर मिलेगी नहीं, इसलिए हम घर पे ही केक का डेकोरेट का सामान बना रहे हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर 6 फूल बनाकर तैयार किए हुए हैं, हमारी केक भी बनकर तैयार है। अब हम माइक्रोवेव से उसे बाहर निकाल केक को हम माइक्रोवेव से बाहर निकालते हैं। देखिए तो हमारी केक बिल्कुल तैयार है, अभी हल्का गर्म है। चलिए इसको प्लेट में निकाल के रखते हैं। यार देख सकते हैं इसमें अच्छा स्पंज निकला, अच्छा स्पंज आया हुआ है। तो चलिए इसके डेकोरेटर के लिए हम इसके लिए थोड़ा सा क्रीम तैयार करते हैं क्योंकि लॉकडाउन है तो हमें इसके लिए इसका डेकोरेशन का सामान भी घर में ही बनाना पड़ेगा। लॉकडाउन में बाहर तो जा नहीं सकते और मदर्स डे है तो हमको मम्मा को केक भी गिफ्ट करना है, जैसे हमारी मम्मा केक काट सके। हमारी मम्मा इतना हमारे लिए कुछ इतना सब कुछ हमारे लिए करती हैं तो उनके लिए इतना तो बनता है। तो चलिए इसके डेकोरेशन के लिए हम घर पर ही क्रीम तैयार करते हैं। यहाँ पर मैंने एक 10 रुपीज़ वाली डेयरी मिल्क लिया है जिसको क्रश कर लिया है और थोड़ा सा बॉयल दूध लिया है जिसको गर्म कर लिया है। तो इसको डेयरी मिल्क में थोड़ा कर हम डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे हमारी डेयरी मिल्क टॉफ़ी अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो देख रहे हैं आप हमारी डेयरी मिल्क टॉफ़ी अच्छे से मेल्ट हो रही है। देखिए तो हमारा ये बनकर तैयार हो गया है।
चलिए तो अब हम अपनी केक को रेडी करते हैं। चलिए तो अब हम अपनी केक को फाइनल टच देते हैं। अब हम अपने डेरी मिल्क जो हमने मेल्ट किया हुआ था केक के ऊपर, केक को इसे कवर करेंगे। तो चलिए कवर करना स्टार्ट करते हैं। एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि केक को पेंट करना है। इसको हम चारों तरफ से अच्छे से पेंट कर देंगे केक को अपनी डेयरी मिल्क टॉफी से। देखिए तो हमारी केक पेंट हो चुकी है, हमारी केक बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं केक का कितना अच्छा टच आ गया है। चलिए अब हम इसके ऊपर से डेकोरेट करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्रश किए हुए काजू लिए हैं, थोड़े से बादाम लिए हैं, और ये फूल हमने बनाए हुए थे जो रोजेज, इनको भी इसके ऊपर डेकोरेट करेंगे। तो चलिए इसको डेकोरेट करना स्टार्ट करते हैं। ये सब सामान के लिए आपको घर से बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा और आपका केक भी तैयार हो जाएगा और आपकी मम्मा को भी बहुत ही अच्छा लगेगा ये केक। हमारी केक बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको आप मम्मा के पास अपने ले जाइए और मम्मा को सरप्राइज गिफ्ट दीजिए, आपकी मम्मा बहुत ही खुश हो जाएंगी। चलिए तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको मेरी केक अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।